कर्मजं बुद्धि युक्ताम हि फलम त्यक्तवाम मनीषिणः जन्म बंधर विनिर्मुक्ताम पदम गच्छन्त्यनामयम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर चुके हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसलिए आप भी प्रिय दर्शक, अपने समस्त दुखों से परे रहिए, ईश्वर भक्ति में अपने आप को लीन रखिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप बहुत हल्का सुकून में व्यतीत करेंगे अपने आप को। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के 18 दिसंबर बुधवार आज का राशिफल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या फिर स्पेशल डे है। देखिए, धन से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या चल रही है, जो ज्यादातर लोगों की चल रही है, उसको दूर करने के लिए और हमारा काम आसानी से पूरा हो जाए, इसका एक विशेष उपाय बताऊंगा, अंत में देखिएगा जरूर। आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य या शुभ किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, कोई फैसला लेना है, कोई खरीदारी करनी है या फिर यात्रा करनी है, उसके लिए समय आपके पास दिन भर तो आज मिलने वाला नहीं है, लेकिन शाम को 5:15 से 6:15 जरूर कर सकते हैं। वहीं दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक तो राहुकाल रहेगा, लेकिन आज सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर को 12:34 तक भद्रा भी रहेगी, तो इसलिए शुभ कार्य सिर्फ शाम को कर सकते हैं। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से। आज आपका ज्यादातर ध्यान अपने घर के आसपास, अपने भीतर, अपने काम में कोई आकस्मिक परिवर्तन है तो उसका आप साक्षी बनकर इस्तेमाल करें। आज धन लाभ भी आकस्मिक हो सकता है। बिजनेस में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए अपने कार्यों को और परफेक्ट करने के तरीके खोजते हुए आज आप नजर आएंगे और कामयाब होंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने कार्य को मेंटली स्ट्रांग होकर कार्य करते हुए अच्छा कर पाएंगे। एम्प्लॉयज के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए लिए गए निर्णय आपके पक्ष में काफी हद तक होने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में कोई पुरानी यादें, कोई पुराना मसला आपको बहुत सुखद अनुभूति दे सकता है। स्टूडेंट को स्टडी में, खिलाड़ी को खेल में और एंटरटेनमेंट फील्ड वाले लोगों को एक्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसे सॉल्व करने का कोई ना कोई मददगार आज आपको मिल ही जाएगा। आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को आज सराहा जाएगा और अपनी फिटनेस का आज आप ख्याल रखेंगे और लोगों को भी फिट नजर आएंगे और लोग कहेंगे वाह राज क्या है इसका। लकी कलर नेवी ब्लू। नंबर 1 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को आज सुख सुविधाओं को भोगना, उसे और अपडेट और अपग्रेड करने की तरफ ध्यान रहेगा। लेकिन अगर आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा आपने मेरा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 18 दिसंबर को चंद्रमा आपके चौथे रहेंगे, जो कोई मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस या कोई तकलीफ दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रिलैक्स रहकर कूल माइंड से डिसीजन लीजिएगा। बिजनेस पर्सन के आज बिजनेस में अति महत्वाकांक्षी होने के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने चेहरे पर उदासी मत लाइएगा, बल्कि जुबान में मीठे शब्द और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दिन गुजारिएगा। वर्क प्लेस पर आज आपको सहकर्मियों से किसी कार्य को लेकर कॉम्पिटिशन चिंता में डाल सकती है। एम्प्लॉयज आज कार्यस्थल पर चौकने रहकर कार्य करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में संपत्ति को लेकर कहा सुनी के चलते माहौल हल्का सा गर्म हो सकता है। आज सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी कलर ग्रे। नंबर 5 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों का ध्यान अपनी उम्र से छोटी बहन की किसी तकलीफ को दूर करने की तरफ रहेगा। बिजनेस में आज आपके प्रोडक्ट का मार्केट में कोई सानी नहीं होगा और पूरे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की धूम भी हो सकती है। रीपैकेजिंग और डिजाइनिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वर्क प्लेस पर किसी पार्टी का आयोजन होने, गेट टुगेदर का आयोजन होने से एंजॉय का माहौल बनेगा। विरोधियों से गिले शिकवे दूर करने का आज अवसर मिलेगा। एम्प्लॉयज आज उच्च अधिकारियों के साथ किसी गुफ्तगू या मीटिंग में व्यस्त रहकर अच्छे डिसीजन को प्राप्त कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में घर परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा और संतुष्टि बहुत देगा आपको। संबंधों में नजदीकी लाने का आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट अपने टारगेट को अचीव करने में काफी हद तक मेहनत और मशक्कत करते हुए नजर आएंगे।
सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको हल्का सा परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर ब्राउन, नंबर 7 शुभ, भाग्य उदय, कारक दिशा उत्तर रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों का ध्यान सत्कर्मों के करने की तरफ रहेगा। बिजनेस में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। लीगल मैटर्स कॉम्प्लिकेशन में आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर विशेष ख्याल रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपकी सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की ग्रोथ और उससे बढ़ने से, आपका ध्यान बढ़ने से टारगेट को अचीव करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। एम्प्लॉयज आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आप कुछ सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे और अगर उस पैसे को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो सुख सुविधाएं और बढ़िया हो सकती हैं। स्टूडेंट के अनुशासित होकर विद्या अर्जन में लगे रहने के संकेत मिल रहे हैं। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 2 शुभ है, भाग्य उदय, कारक दिशा पश्चिम रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों का ध्यान आपकी राशि में, सिंह राशि वाले लोगों का ध्यान आज आपके राशि में ज्यादा रहेगा, आपके धन में ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोग आपको कोई गलत प्रकार से फंसाने की कोशिश और आपके धन हड़पने की जरूर कोशिश करेंगे। अपने सेफ्टी, सिक्योरिटी, धन की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस पर्सन्स अपने बिजनेस में वर्कर के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करने में सब जगह आपकी चर्चा होगी, ऐसा आपको फील करना चाहिए। ये पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं आपके भविष्य के लिए। बिजनेस को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए आपको विशेष प्रयास जरूर करने चाहिए। वर्क प्लेस और वर्क फील्ड में परिस्थिति आपके काफ़ी हद तक पक्ष में रहेंगी, फिर भी आप विरोधियों से सतर्क जरूर रहें। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ किसी शांत और धार्मिक जगह पर जाने से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। स्टूडेंट अपने निर्धारित गोल को लगभग पाते हुए नजर आ रहे हैं। मौसमी बीमारी और डाइजेशन की वजह से परेशानी आपको आ सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ है, भाग्य उदय, कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कन्या राशि, आज आपका ज्यादातर ध्यान खर्च और कर्ज को कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे बढ़िया काम है इनकम को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास। आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा अगर आपने मेरा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 18 दिसंबर को चंद्रमा आपके बारहवें रहेंगे, जो कि मेरी वजह से, आपकी वजह से या किसी और की वजह से काम में डिले, डिस्टर्बेंस या तकलीफ दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कूल रहकर दिन गुजारने की कोशिश करिएगा। बिजनेस पर्सन्स को आज किसी डील में हल्का सा धोखा या कोई झूठा लांछन आरोप लग सकता है, आप अपना जरूर ख्याल रखिएगा। किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई अच्छी डील आपके हाथ लग सकती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको साइन आज करने चाहिए। वर्क प्लेस पर आज आप किसी मानसिक तनाव के कारण चाहकर भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। हो सकता है घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी चिंता हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा चिंतन करिए। एम्प्लॉयज़ के आज कार्यस्थल पर अपने ईगो पर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। स्टूडेंट को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की चिंता सता रही है, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि आप चिंतन करें, सिर्फ अपनी पढ़ाई करें, बाकी माँ बाप के आशीर्वाद और ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही करेंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में किसी छोटी सी बात के बढ़ जाने से हल्का या बड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। डायलिसिस की बीमारी या किसी लोगों को जो किडनी की प्रॉब्लम चल रही है उनको आज ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी तकलीफ आ सकती है। लकी कलर क्रीम, नंबर 8 शुभ, भाग्य उदय, कारक दिशा पूर्व रहेगी। तुला राशि वाले लोगों का ध्यान आज अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए उस पर देना चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं यानी साझेदारी के बिजनेस में, आज आपके कार्यों पर हल्का सा नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने भीतर नकारात्मकता को नहीं लेकर आए, बल्कि है उसे बाहर निकाल के फेंकिए। आपके साझेदारी के साथ वर्क क्षमता बेजोड़ रहने के लिए आपको विशेष प्रयास करने चाहिए। वर्क प्लेस पर आप हर समस्या को सुलझाते हुए काफी तक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ में कामयाब होंगे, ज्यादातर में नहीं होंगे। राजनीतिक प्रेशर, ऑफिसर या वर्कर के आसपास के लोगों के प्रेशर की वजह से कार्यस्थल पर आपका मन बार बार डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट होगा। प्लेयर्स अपने खेल में बढ़िया परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट फील्ड वाले लोग अपने एक्टिंग में दमदार परफॉर्मेंस के चलते बेहतर प्रयास करते हुए सफलता हासिल करते हुए दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में फैमिली मैटर्स या किसी और की बात या पुरानी कोई बात, पुराने किसी अपमान को लेकर आज आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन चाहोगे तो सुलझा भी सकोगे। स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा गुजरेगा। स्टडी में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। खुद कोशिश करें कि जिन चीज़ों से आप डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, सोशल मीडिया हो, मोबाइल है आपका, कोई भी इंटरनेट के तरीके हो सकते हैं, उससे दूरी बनाएं और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। सुधार
अवश्य होगा और सेहत पे पहले से बेटर बैट होगा। लकी कलर येलो। नंबर 3 शुभ है भाग्य, उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों का ध्यान अपने काम को और बेहतर करने की तरफ रहेगा। मार्केट में आपके बिजनेस में आ रहे सकारात्मक बदलाव से आपके व्यापार में धन वृद्धि के शुभ संकेत मिल रहे हैं। वर्क प्लेस पर आपके ज्यादातर काम समय पर पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन आपको समय से पूर्व ऑफिस पर पहुंचना चाहिए और गजब का उत्साह अपने अंदर लाना चाहिए। एम्प्लॉयज के कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी और सहकर्मी जो भी सबॉर्डिनेट कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, बशर्ते कि आप चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में मीठे शब्द और वो भी तारीफ के रखें। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आप परिवार सहित हल्के फुल्के माहौल में एंजॉय करेंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में कोई यात्रा होने वाली है, इसकी आज प्लानिंग हो सकती है। स्टूडेंट को आज अपने बेटर परफॉर्मेंस के चलते, खिलाड़ियों को खेल के चलते करियर में आगे ब्राइट फ्यूचर के संकेत मुझे मिल रहे हैं। आज आपको शरीर में हल्के से दर्द की परेशानी हो सकती है, स्ट्रेचिंग करें और आगे बढ़ें। लकी कलर रेड। नंबर 9 शुभ है भाग्य, उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। धनु राशि वाले लोगों का ध्यान आज ज्ञान को बढ़ाने की तरफ रहेगा। टीम वर्क के चलते और अपनी वाकपटुता के चलते बिजनेस पर्सन आज बिजनेस में उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। वर्क प्लेस पर आप बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर सकेंगे। उच्च अधिकारियों से शाबाशी, वाहवाही आपको मिलेगी जिससे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, लेकिन अहंकार और घमंड मत रखिएगा। एम्प्लॉयज, आज कार्यस्थल पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए बढ़िया साबित होगा, लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस आपको पहले दिखानी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में संतान सुख और संतान से सुख से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको बहुत खुश कर देगी। स्टूडेंट के स्टडी से रिलेटेड कोई बाहरी यात्रा या कोई सेमिनार या कोई ऐसा ग्रुप डिस्कशन से लाभ मिल सकता है, तो जरूर ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ज्यादा गर्म और ठंडा आपके दांतों में दर्द पैदा कर सकता है, आप अपना जरूर ख्याल रखिएगा। लकी कलर पिंक। नंबर 4 शुभ है भाग्य, उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मकर राशि वाले लोगों का ध्यान आज अनसुलझे मामलों को सुलझाने की तरफ रहेगा। थोड़ा मानसिक तनाव से आज दिन गुजरेगा, क्योंकि अगर आप मेरा डेली राशिफल के अलावा मंथली राशिफल देखते हो तो मैंने कहा था कि 18 दिसंबर को चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कोई मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस या कोई तकलीफ दे दे। अगर ऐसा होता है तो कूल और रिलैक्स माइंड में रहते हुए दिन गुजारने की पूरी कोशिश करिएगा। बिजनेस में आज आप किसी प्रोडक्ट की बिक्री के लिए, बिक्री में हो रही कमी के लिए थोड़ा परेशान हो सकते हैं। विरोधी इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, विघ्न बाधाएं उपस्थित कर सकते हैं। ऐसा आपको महसूस होगा कि मेरा डाउनफॉल चल रहा है, नहीं, ये आपको गाइड करने के लिए है, ये आपके लिए अलार्मिंग है कि आप अपने प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग करिए, उसकी मार्केटिंग अच्छी करिए, प्रोडक्ट को और बेहतर बनाइए। वर्क प्लेस पर आज आप अपने कार्य में अथक प्रयास करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। एम्प्लॉयज के आज कार्यस्थल पर ओवरटाइम व कार्य की अधिकता की वजह से आज आपको कुछ कटु बातें भी सुनने को मिल सकती है, इसलिए याद रखिएगा कि आप अपने काम को ढंग से करें। सफलता पाने के लिए स्टूडेंट को आज अधिक मेहनत, खिलाड़ी को भी अधिक मेहनत और परफॉर्मेंस के लिए एंटरटेनमेंट वाले फील्ड के लोगों को एक्टिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस देनी चाहिए। किसी छोटे से कारण को लेकर भी आज कोई चुनौती बड़ी मिल सकती है, लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकता है, अपना ख्याल रखिएगा। लकी कलर ग्रीन। नंबर 2 शुभ रहेगा भाग्य, उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को आज पति पत्नी, जीवन संगिनी और जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बिठाने, बेहतर बॉन्डिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रेम और विश्वास, बेहतर शब्दों और हाथ में एक अच्छे से गिफ्ट के साथ दिन की शुरुआत हो तो कितना अच्छा है। बिजनेस में आज आपकी सेल्स, मार्केटिंग और परचेज की पावर या कुछ इस प्रकार की बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उसमें पकड़ आपकी मजबूत हो सकती है, इससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आपको कार्यों को करवाने की बजाय खुद करके अच्छा बेहतर काम करके तारीफ बटोर पाएंगे, जो आपके विरोधियों के सीने में जलन भी पैदा करेगा, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको अपने काम को और परफेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एम्प्लॉयज के कार्यों में आ रहे बदलाव के चलते आप चर्चा का विषय बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में संबंधों को और बेहतर बनाने के प्रयास आज काफी हद तक सफल सिद्ध होंगे। स्वयं के प्रयासों से स्टूडेंट आज अपने विशेष, जिसमें हमारी पढ़ाई सही नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि ये तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब समझ में नहीं आती है, समझने की आज कोशिश जारी रहेगी और समझ में भी आ जाएगा। सेहत पहले से बेटर है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की सेहत आज गड़बड़ हो सकती है। लकी कलर नेवी ब्लू। नंबर 6 शुभ है भाग्य, उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी।
मीन राशि वाले लोगों का ध्यान आज मानसिक या शारीरिक किसी बीमारी के चलते उनको तकलीफ आ सकती है, उसको दूर करने के विशेष प्रयास आज आपको करने चाहिए। कॉरपोरेट मीटिंग या किसी स्पेशल काम में मीटिंग बिजनेस पर्सन्स लोगों के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना के जाना चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट के साथ जाना चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट और अच्छी जुबान में शब्दों के साथ कुशलता के साथ मीटिंग में बैठें तो मेंबर्स का दिल आप जीत लेंगे। अब ज़रूरी, अब तो कोई दुकान वाले देखते हो तो हम तो कोई मीटिंग करते ही नहीं, अरे क्यों नहीं मीटिंग होती आपकी, कोई ज़रूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती उसे ही मीटिंग कहेंगे। आप अपने वर्कर से, लोगों से बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कौन सा सेल्स परचेस के बारे में, ये भी तो मीटिंग है आपकी, आप उसे बेहतर करिए। वर्क प्लेस पर आज का दिन आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा जो करियर में प्रोग्रेस करवाएगा। एम्प्लॉयज के लिए कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बनेगी जो आपके लिए फायदेमंद और विरोधियों के लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आप कोई उम्मीद रखेंगे जो पूरी होगी। साथ ही धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्लेयर्स आज भरसक प्रयास से परफेक्शन हासिल करते हुए कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कमर में दर्द या कमर के निचले हिस्से में, लोअर बैक में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर ऑरेंज नंबर 1 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, अब मैं वो खास उपाय आप सभी को बता रहा हूं जो वर्तमान में अगर धन से संबंधित कोई समस्या आपको चल रही है, चाहे वो बच्चों की फीस देना हो, बच्चों को बाहर भेजना हो, पति के लिए, परिवार के लिए कोई मेडिकल का खर्चा या कोई चीज़ खरीदनी है उसमें पैसे की दिक्कत आ रही है, तो कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें, कैसे ग्रहों को शांत करें जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, इसी के लिए आप आज ये जो प्रयोग बता रहा हूँ उसे ज़रूर करेगा। आप मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन आपको उतना धन नहीं मिल पाता है जो आपको संतुष्टि दे सके, आपके ज़रूरतों को और इच्छाओं को पूरा कर सके। लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, इच्छाओं का तो बेचारे के नंबर ही नहीं आ पाता है। इसके लिए आप बुधवार के दिन श्री गणेश जी का स्मरण करें। कम से कम 5 मिनट तक आप गणेश जी के पूरे चित्र, पूरे शरीर का हर अंगों पर ध्यान कीजिए और ध्यान करने के बाद विधि और विधान से जब आप गणेश जी की जैसे आप पूजा करते वो करिए, नहीं कर सकते तो उनको स्नान करवाएं और हो सके तो उनका तिलक करें, उन्हें जनेऊ चढ़ाएं और पुष्प और साथ में गुड़ और घी का भोग अवश्य लगाएं। हो सके तो गुड़ के लड्डू बना लें गुड़ के साथ, और थोड़ा सा उसके साथ जो हमारे दुर्वा होती है वो बहुत पसंद है, दुर्वा के 3 या 5 पत्ते की गांठ 11 ऐसे बना के मौले से बांध कर उन्हें आप चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वहीं पर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सुख समृद्धि और शांति दें। हमारे धन का जो भी तकलीफ आज आ रही है उसे दूर करने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करने के बाद वही गुड़ और वही जो ग्रीन ग्रास थी, हरी घास की जो आपने दुर्वा जो ली थी, उनको आपको गायों को खिला देना है और भगवान गणेश जी से गौ माता के लिए भी प्रार्थना करें कि हमारी सभी गौ माताएं सुरक्षित रहें और हमें इसी प्रकार से हस्त पुष्प प्रदान करने के लिए, हमारे सेहत को प्रदान करने के लिए आशीर्वाद देते रहें। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि छोटा सा प्रयोग आपके दिन को, आपके हर धन की समस्या को मिटा सकता है। आप हमारी वेबसाइट grahonkakhel.co.in पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। अगर आप उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के द्वारा बात करना चाहते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुझसे बात करना चाहते हैं, जो जिसमें हम एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं, इसके लिए आपको दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और पर्सनली मिलने के लिए आप मुझसे 20 दिसंबर को मुंबई, 21 दिसंबर को पुणे और 22 दिसंबर को नासिक में रहूँगा, वहाँ मिल सकते हैं। या फिर अगर भारत से बाहर आप रहते हैं तो मैं 30 और 31 दिसंबर, 9 और 10 जनवरी को लंदन, इंग्लैंड में रहूँगा, 1 और 2 जनवरी को नीस, फ्रांस में, 3 और 4 जनवरी को केन्स, फ्रांस में और 5 से 8 जनवरी को सेंटा क्रूज, टेनरिफे आइलैंड, स्पेन में रहूँगा। अगर आप इन शहरों या देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी प्रिय दर्शकों का खूब ख्याल रखें, आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें। इस उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।